वाह, आज तो फ्रूट लग रहा है हमारे लाल पीले फ्रूट गर्मियों में। आपको दोनों देखे ना, अभी गर्मी लगनी बंद हो गई थोड़ी थोड़ी, ये तो बड़ी गर्मी लग रही थी। देखो बाजी, कहते ना भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के देता है। एक ही घर में इतनी खूबसूरती, दो बहनें दोनों ही खूबसूरत, एक हमारे जैसे दिनेश, आठ भाई हैं और ये ठीक निकला, बाकी आप देख लो। तो शमिता मेरे को एक बात बताओ, आप दोनों बहनें जब कॉलेज में पढ़ती होंगी या स्कूल में, तो मतलब तो लड़के तो काफी आगे पीछे मंडराते होंगे आपको देख के। आपने डैडी को देखा है? मेरे डैडी को देखा है। जेंट्स में को मैं ज्यादा दिखता नहीं। अरे शिल्पा वैसे इतनी स्वीट है, मुझे लगता है कभी किसी को डांटा होगा इसने आज तक। नहीं पर इनकी देखो यार, एज डिफरेंस को भी जैसे भी ले लो, 5 साल से कम होना तो लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है। तो मैं ये पूछा जब आपने कभी, अच्छा ऐसे होता पाजी जब कोई ना, मतलब अगर 3-4 साल का बच्चा है तो दूसरा बच्चा घर में आता है तो बच्चे को बड़ी जलसी होती है, क्योंकि तभी तो इतनी सांस। आपको हुई थी कभी जब शमिता पैदा हुई थी तो? ऑफ कोर्स। आपको कैसे पता, आप तो छोटी सी थी। क्योंकि मैंने मम्मी से सुना है। मम्मी से सुना है। अपेरेंटली मैं घर की लाडली थी, और जब शमिता आई घर में तो सडनली, और मैं क्या है, मैं तो मुझे सब लोग घर में किशनी करके बुलाते थे, बिकॉज मैं काली कलूटी सी थी। किशनी थी मतलब, और शमिता आ गई गोरी चिट्टी, क्यूट सी बेबी, एंड सडनली ऑल द अटेंशन जस्ट शिफ्टेड। तो अपेरेंटली मम्मी कहती थी कि मैं रात को जाके ना, शमिता सडनली रोना शुरू कर देती थी रात को या शाम को, तो देन दे रियलाइज कि मैं जाके ना चूटी काटती थी। हमारे पास आपकी कुछ बचपन की तस्वीरें हैं, आपकी बड़ी कम मिली हमें, मिली नहीं एक्चुअली। ये यहाँ पे दिखाएंगे जरा प्लीज। शमिता ने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, इसके पीछे भी ये बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, सिर्फ न्यूबॉर्न पिक्चर्स है क्योंकि वो इतनी क्यूट बच्ची थी, फिर सडनली जो न्यूबॉर्न से लेके एडोलेसेंट तक का जो पीरियड था, सारे जला के फाड़ के उसने मम्मी को बताया, बोला एक दिन कि किसी को देखने नहीं मिलेगा ये सारी गंदी गंदी। सॉरी, लेकिन मेरे ब्रेसेस थे, मेरे दांत शमिता एक्चुअली ऐसे थे विद गैप्स, या और वो टॉप है कट, व्हाट वाज दैट, कटोरा है कट, कटोरा है कट, कटोरा है कट क्या होता है बोलो। जैसे मम्मी मुझे पता नहीं क्यों हम लोगों को सैलों बेचती नहीं थी, हाँ चंद पैसों को सेव करने के लिए वो खुद बैठ के संडे के दिन हमारे बाल काटती थी, और उसका जो नतीजा निकलता था तो हम लोग ऐसे लगते थे कि जैसे पता नहीं really terrible looking children, तो ऐसे नहीं कि आज हम लोगों को, मुझे तो लगा बचपन से ही आप बनके सवर्त के ऐसे खूबसूरत बनके। नहीं please, I was very scary, photographs का भी proof। तो आइए देखते हैं आपकी कुछ pictures हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। कटोरी कटोरी कट, I want to kill you। तीन लोग हैं इसमें, ये कहां से मिला फोटोग्राफ? ये शामी आंटी के पास से मिला। शिल्पा ये तीन लोग हैं, मुझे बताएंगे आप सबसे इस तरफ वाली? नहीं नहीं, वो मैं हूँ। अच्छा। जो डिमेंटेड वाली है ना, वो मैं हूँ। हाँ, वो साइड में जिसने हाथ में ग्लास पकड़ा है। शमिता वैसे बहुत शमिता है आप जो ग्लास में पकड़ा हुआ है। हाँ, ग्लास तो बचपन में आप लड़का थी। हाँ, मैं टॉमबॉय थी। और छोटा बच्चा कौन है और बीच में? मेरा कजिन है करण। अच्छा ओके, तो एक और पिक्चर है ये। ओह माय गॉड, ये शमिता इतनी क्यूट है, देखो इधर पता नहीं क्या हो गया बीच में। इसके बाद के पिक्चर्स मैंने जला दिए, यहाँ तक मैं क्यूट थी। हाँ, यहाँ तक। इसके बाद वाली भी है हमारे पास, तो आपने जला दी ना तो हम डस्टबिन में से उठा लाए थे, दिखाई आगे। सी द कटोरा है का, सी ऐसा लगता दोनों बच्चे घूम गए थाने में बैठाए हुए हैं। दो बच्चियां, अगर इनके माँ बाप को खबर मिले तो प्लीज आके पुलिस स्टेशन से ले जाए। अच्छा ये तो बात जग जाहिर है कि बचपन में भाई बहन सब लड़ते हैं, हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कितने लोग होंगे जो भाई बहन साथ में आए? आप लोगों की किन बातों को लेकर लड़ाइयां होती, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? माइक लीजिए। हेलो जी, मेरा नाम ठरकी सिंह है जी। ठरकी सिंह, मैं जलंधर तो आया, मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर, मैं थोड़ा नहीं है ना था इनका। हाँ जी, मैं ना इन्हें बुक पढ़ी है, द ग्रेट इंडियन डाइट। हाँ जी, आप हिंदी में बोलेंगे ये? ओ नहीं, ग्रेट इंडियन डाइट तुझे समझा नहीं आया, पागल हो गया तुझे? जी जी, इज दैट यू? ओ डाइट में पढ़िया, ओदे च मिस्टेक है, ओदे च कोई तेल ही नहीं है, पर मैं खा लिया फिर भी मजा आया। अच्छा, हुन
मैं एक्चुअली तोड़े नाल एक सेल्फी ले लो कुंद्रा साहब। ओ नहीं मैं सेल्फी लेनी है तोड़े नाल। देख लो बाजी ग्रेट इंडियन डाइट बीवी पहचान नहीं पाई। देख लो एक्टर ये खुद है और पति कितने बड़े एक्टर हैं। आई रिकॉग्नाइज मैंने पहचान लिया इनको। नहीं मुझे मुझे लगा कि कुछ तो इधर गड़बड़ है। व्हाट इज दिस कुकी? व्हाट इज दिस? इज अ ग्रेट इंडियन डाइट। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोगों की मिली भगत। मेरी कोई मिली भगत नहीं है। इन्हीं का आइडिया था। नहीं उनसे पूछ लो। मक्खन वाले परांठे। इन्होंने पूछा, इन्होंने मेरे को फोन किया, कहते मेरी बीवी आपके शो पे आ रही। मैं कहा हाँ जी। कहते यार मैं भी मिलने आता हूँ, कभी मिल ही नहीं पाते हम लोग। मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ, ये फ्लाइटों में रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बड़ी बड़ी एंट्रियां हुई हैं यहाँ पे। ये सबसे ग्रैंड एंट्री। आई लव यू। टू गुड यार, टू गुड। ये लिसन, मैं इनके पास नहीं बैठ सकती। डाइट कर लेते नहीं हम लोग रिमूव कराते पाजी। प्लीज 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 पाजी आप चेंज कर लीजिए। व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन ही सेड ठरकी सिंह ना, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मुझे लगा यू गॉट समबडी हु लुक्ड अ बिट लाइक राज, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला तो नहीं बोल सकती ना। अरे यार तुम मेरे पति जैसे लगते हो। देख लो पाजी, एक आदमी इतने सारे बिजनेस संभालते हैं ये, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स के साथ फुटबॉल मैच खेलते हुए दिख जाएंगे। कभी ये फ्लाइट में दिख जाएंगे आपको, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग करने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो। सीरियसली मतलब ये गलत फहमी है। ही रियली वो इतने हार्डवर्किंग है, मैं बता नहीं सकती। ही इज सच ए हार्डवर्किंग मैन। अच्छा। वो निकलते हैं 9:30 को वियान को स्कूल छोड़ के, सीधे जाते हैं ऑफिस एंड ही कम्स होम। समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो 9:30-10। पाजी का इंटरव्यू भी देखा था, कहते मैं 20-20 घंटे ऑफिस में कभी कभी रहता हूँ, सिर्फ शॉवर लेने घर जाता हूँ। तो इसका मतलब हम क्या समझे आपको, बीवी की याद नहीं आती, शॉवर की याद आती है। शॉवर ही लूंगा, बीवी पास नहीं आएगी। पाजी एक बात बताओ, जैसे अपनी शादी में होता है तो पंजाबी आदमी आप अब सालियां जूते चुराती है। शमिंदा ने चुराए थे आपको? चुराए थे। तो कितने पैसे मिले थे आपको? अरे 50 लाख से ऑफर शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी 50 लाख मांगे थे। जूते कितने के थे? 5,000 दिया था। आई नो सी ये हुआ बिजनेसमैन आदमी यार। बिजनेस मार्केटिंग 50 लाख से शुरू हुई थी। व्हाट रबिश। व्हाट रबिश। यस 50 लाख प्लीज। 1 लाख से। 1 लाख से। अब 5,000 मिले मुझे। वो अमाउंट याद है मुझे। अच्छा पाजी एक बात बताओ, आप पंजाबी, शिल्पा साउथ से हैं, आपकी शादी में खाना जो बना था वो क्या था, मतलब कैसा खाना बना था उसमें? परौंठे भी मिले थे, डोसा भी मिला था। डोसा भी था? डोसा भी था। तो अपने अपने पंजाबी लोग तो फैल जाते हैं शादियों में भाजी। अपना कोई ऐसा मेहमान इनके साइड के सारे फैल गए थे।